हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगी, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, वो भी क्लास 9 का, जिसका नाम है मोशन। ज़्यादा बातें नहीं करते और अपने काम को शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दो चीज़ें शो हो रही हैं। कौन सी दो चीज़ें शो हो रही हैं आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो, ये रुक गया था। एक तरफ आपको दिखाई दे रही है कि कोई वॉच जिसमें लगातार टाइम चेंज हो रहा है, यानी उसकी जो निडिल है, उसकी जो सुई है, वो चेंज हो रही है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है बार बार। दूसरे नंबर पे आपको कोई इंसान दिख रहा है, कोई आदमी दिख रहा है, वैसे तो ये कार्टून है, लेकिन ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब हम लोगों का चैप्टर का नाम है मोशन, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यानी अपने सराउंडिंग्स या अपने रेफरेंस पॉइंट के प्रति, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कि ये मोशन में है। अब आप लोग के दिमाग में घूम गया कि व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 9th क्लास में हो, ऑफ कोर्स तो किसी को पता भी नहीं होगा। तो बच्चों, हम लोग इसको बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया ताकि आप लोग का थोड़ा इंटरेस्ट बने। अब चलिए, अब मान लीजिए ये कोई इंसान है, ये कंटिन्यूअस मोमेंट कर रहा है। आप लोग इसको देख सकते हो कि रेगुलर ये चल रहा है ना, ये रुक नहीं रहा बिल्कुल भी। तो जब कोई कंटिन्यूअस मोमेंट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे आप अपने अभी घर बैठे बैठे अपनी छत के ऊपर देखो तो पंखा चल रहा है, तो द फैन इज इन मोशन। जैसे आप लोग मोमेंट कर रहे हो तो आप भी मोशन में हैं। एक चलती हुई गाड़ी मोशन में है, एक चलती हुई साइकिल मोशन में है ना? तो ये सब चीजें आप लोगों की मोशन में होती है, यानी जब कोई चीज मूवमेंट कर रही हो, मूव कर रही हो, एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जा रही हो, तो वो आपका क्या होता है? मोशन होता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोशन करना पड़ेगा, ठीक है जी? तो कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, हम कहेंगे कि ये चीज आपकी मोशन में है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा टॉपिक्स टू बी कवर्ड है जो पूरे चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है, लेकिन इस वीडियो में हम पार्ट 1 केवल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 पे रेस्ट एंड मोशन, नंबर 2 पे टाइप ऑफ मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस वीडियो में आपका आधा पार्ट कवर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तक, बाकी हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, और जो डेरिवेशन होंगी वो हम थर्ड पार्ट में कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए, खैर हम लोग आते हैं रेस्ट पे। व्हाट इज रेस्ट? आप लोगों को अगर सिंपल से वे में एक बात बता दूं मैं, कि अगर मान लो कोई चीज है और वो एक जगह पर रखी है, तो हम उसको कहेंगे कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। मतलब कि वो आपका कहीं आ जा नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, है ना? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जब कोई चीज एक जगह पर रखी हो और वो मूव ना करे, क्योंकि नॉन लिविंग है ऑफ कोर्स तो मूव करेगी नहीं, है ना? तो वो आपका रेस्ट में, हम उसको बोलते हैं कि ये चीज रेस्ट में है। एंड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, इसको अभी हम लेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, हमने भी वही कहा कि जब कोई बॉडी कहीं पे रखी हो और वहां से वो कहीं और आए जाए ना, तो हम लोग कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यानी वो जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है वो आराम कर रहा है, रेस्ट पे है, ठीक है जी? नंबर 2 पे मोशन। हम मोशन किसे कहेंगे? अगर साइंटिफिकली आप टर्म समझो तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट, उसको हम कह देंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर रही हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है, या फिर उसको मोशन कहते हैं। अब यहां रिफरेंस पॉइंट क्या है, इसका जरा आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक रोड है, यहां पे एक रोड है, और इस रोड के आसपास में बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, है ना? यहां पे आपके पोल लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं,
ठीक है, यहां पे भी आपके पोल लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहां पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हमारी कार खड़ी हुई है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर यहां से ये वाली कार चल के यहां पे आ जाती है तो हम लोग इसके डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे हम किसमें मोशन हुआ है। तो ध्यान दीजिए, मैंने एक बात आपको कही कि इसके आजू बाजू में मकान थे, है ना। तो ध्यान से सुनिए, मान लो पहले ये फर्स्ट वाले पोल के पास थी, ये फर्स्ट पोल, ये सेकंड पोल, ये थर्ड पोल, ये फोर्थ पोल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोल से कहां चली गई, फोर्थ पोल पे। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कैसे करेंगे, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, इसका कोई ओरिजिन होनी चाहिए कि भाई कहां खड़ी थी, क्योंकि रोड तो सारी एक जैसी है, हम पता लगा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले पोल पे खड़ी थी, इस पहले पोल से इस कार तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो जहां पे पहले खड़ी थी कार और जहां पे गई उसके, यानी जहां जहां पे खड़ी थी उसके पास में अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से हम उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मान लो ये पोल है, तो इस पोल से यहां तक की डिस्टेंस हम रिकवर करी, इस पोल से इस पोल तक, तो यानी ये वाला पोल जो है इसका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब एक मूविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये बात ध्यान से सुनिए। ये गाड़ी चल रही है, बड़ी तेज चल रही है ना। अब ध्यान से देखिए, द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, यानी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजिशन को चेंज करेगा। पोजिशन चेंज करेगा तो हम लोग कह सकते हैं भाई ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। मान लो ये देखो यहां पे है ना, ये पहले यहां पे है, यहां से चलती 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 आगे आ रही है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम लोग कह देंगे द कार इज मूविंग। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ मोशन फास्ट होते हैं, कुछ मोशन स्लो होते हैं, कुछ मोशन हमें दिखाई दे देते हैं, कुछ मोशन हमें दिखाई नहीं देते। जैसे अगर आप ऊपर वाले मोशन की बात करोगे तो हमें दिखाई दे रहा है, नो इशू, है ना। उसके बाद हम लोग इस वॉच की बात करेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आपकी रिडल दिखाई दे रही है, हमें सुई दिखाई दे रही है घूमती हुई। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर एक वॉच में आप लोग टाइम देखते हो तो वहां पे एक तो छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, और एक आपकी तीसरी सुई होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये वाली होगी मिनट की, ये वाली होगी आपकी आर की, ये वाली होगी आपकी सेकेंड्स की। अब सेकेंड वाली जो सुई होगी वो बहुत ज्यादा तेज मूव करेगी, बहुत ज्यादा तेज मोशन करेगी। उसके बाद में ये मिनट वाली है, ये थोड़ा कम मोशन करेगी, मोशन करेगी जरूर, लेकिन आप इसको ऑब्जर्व कर लोगे, आप इसको देख सकते हो। लेकिन ये जो आर वाली है, इसका मोशन इतना स्लो है, इसका मूवमेंट इतना स्लो है कि ये आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये आपको क्या नहीं करती, दिखाई नहीं देती। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, द सम मोशन इज दैट फास्ट दैट वी कैन सी इट हैपनिंग, ऑन द अदर हैंड सम मोशन इज सो स्लो दैट वी कांट बी सीन क्लियरली। तो यहां सेम एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया, जहां पे आपको दिख रहा है चेंज होता हुआ कि भाई सेकंड वाली तो मूव कर रही है, मिनट वाली भी मूव करती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी आर वाली बहुत कम यानी स्लोली मूव कर रही है, लेकिन मूव कर रही है, ठीक है, तो मोशन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो हम लोगों ने आपको जो बताया सेम वही चीजें हैं कि भाई मिनट वाली है ना, सेकंड वाली और आर वाली। जो मिनट वाली होगी ये आपकी आपको थोड़ी थोड़ी मोशन करती दिखाई देगी, सेकंड वाली पूरा मोशन करेगी, और आर वाली आपको मोशन करती हुई दिखाई नहीं देगी, ये बहुत आराम से मोशन करेगी, ठीक है जी। तो आउट ऑफ देम सेकंड हैंड मूव्स फास्ट देन इट्स मोशन कैन बी सीन, बट इन ऑर्डर टू सी द मोशन इन आर हैंड एंड मिनट वी हैव टू कीप द ट्रैक एज द मोशन इन देम इज कंपेरेटिवली स्लो, यानी सेकंड से कम होता है आर वाली में और मिनट वाली में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे तो टाइप ऑफ मोशन का पता चल जाएगा। टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, इफ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इसको लीनियर मोशन कहेंगे, इफ बॉडी रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस तो उसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कार चल रही है सीधी तो ये लीनियर मोशन है, और जैसे ये रिवॉल्व कर रही है, रोटेट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगर कोई बॉडी सर्कल करके घूम रही है उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन, और अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रही है या टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं,
हमारे पास क्वांटिटीज आ जाती हैं। फिजिक्स में आप जब भी पढ़ोगे तो ये क्वांटिटीज हर एक चीज होती है, नहीं क्वांटिटीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स का कोई भी टर्म आपकी कोई ना कोई क्वांटिटी जरूर होगा, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर। तो ध्यान से सुनिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की होती है। स्केलर क्वांटिटी जो क्वांटिटी केवल डिपेंड करे मैग्नीट्यूड पे। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, नॉट द डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। देखो बच्चा, अगर मान लो आप लोग यहां पे खड़े हो और आप यहां से यहां पे आ गए, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो और ये पॉइंट सी मान लो, ठीक है। यहां से यहां तक चले तुम 4 किलोमीटर, यहां से यहां तक चले तुम 3 किलोमीटर, ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में आप यहां से ए से चले बी पे आए, बी से आप यहां पे आ गए, यहां भी आपने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब देखो बच्चा, अब डिस्टेंस जो है, आप डिस्टेंस को ही मान लो, अब डिस्टेंस जो है आप इसके डिस्टेंस को चाहे आप सीधे काउंट कर लो, चाहे आप इसकी डायरेक्शन बदल के काउंट कर लो, डिस्टेंस आपकी रहेगी 7 किलोमीटर, यानी कोई चीज नहीं, ठीक है, कोई चीज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप डायरेक्शन चेंज भी कर दो तब भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, यानी आपको टोटल पाथ ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, आपको टोटल पाथ ही कवर करना पड़ेगा। तो सेम अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो यहां पे अगर आप मान लो यहां से यहां तक क्लियर कर इसको कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 7, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहे हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन अगर आपने इसकी डायरेक्शन बदल दी तो यहां पे इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5। तो शॉर्टेज, इसको आप शॉर्टकट बोलते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट जो है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हमने डिस्टेंस मेजर कर रही थी तो हम कर रहे थे टोटल पाथ कवर, डिस्टेंस मेजर करने पर हम डायरेक्शन बदल लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहां पर आप स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट देखो तो 7 किलोमीटर, आप डायरेक्शन बदल के देखो तो 5 किलोमीटर, तो चेंज आया। तो ध्यान से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन मैटर कर रही है लेकिन डिस्टेंस में नहीं कर रही। अब अगर मान लो आपको कोई वेट है, आपको कोई वेट मेजर करना है, मान लो 1 किलो साबुन है आपके पास, 1 किलो चीनी है, आप उसको उल्टा सीधा कैसे भी कर लो, डायरेक्शन बदल के कर लो चाहे डायरेक्शन ना चेंज करके करो, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में आपने ये चेंज कर दी डायरेक्शन तो आपकी वैल्यू तुरंत बदल जाएगी। ऐसी फोर्स है, आप अगर गेट को उल्टी साइड से खोलोगे तो कितना भी फोर्स लगा लो, अगर आप सीधी साइड से खोलोगे अपनी तरफ से आप जिधर से वो खुलता हो तो वहां फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्शन उल्टी आप करेंगे तो गेट खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग कोई डोर को ओपन कर रहे हो, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अगर सही डायरेक्शन में लगा रहे हो तो 5 न्यूटन लग रहा है, उल्टी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपका ज्यादा लग रहा है लेकिन फिर भी गेट नहीं खुल रहा। तो इसलिए डायरेक्शन मैटर करती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिन पे डायरेक्शन जो है वो मैटर करें, यानी जो डिपेंड हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे, वो होती है आपकी वेक्टर, और जो आपकी केवल मैग्नीट्यूड पर हो वो होती है आपकी स्केलर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो बच्चा, आपने यहां से यहां तक 7 किलोमीटर चला तो 7 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, आपने यहां से यहां तक शॉर्टेज डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रेवल करी तो 5 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल में यहां पर डिस्टेंस भी आ गया और ये इसके अपने सिंबल से ये रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वेक्टर की बात करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड अपॉन अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो ऑन देयर सिंबल। जो डिपेंड करे आपकी डायरेक्शन पर और मैग्नीट्यूड दोनों पर, वो होती है आपकी कौन सी, वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी, आपको मैंने बता दिया है। और इसको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस और एस में क्या डिफरेंस होगा पता है आपको, इसके ऊपर एक एरो लगा होगा इस तरीके से, यानी वेक्टर को हम लोग ऐसे शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। उसका बाकी का पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।